बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। TV99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। चलते हैं ताज़ा तरीन हेडलाइंस की तरफ। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर समेत दीगर मुलजिमान बैंकिंग कोर्ट में पेश। अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अनवर मजीद, अब्दुल गनी और ताहा रजा को भी अदालत में पेश किया गया। समाअत के बाद अनवर मजीद समेत दीगर की मुलाकात। सिंध की अहम सियासी शख्सियात के गिर्द घेरा मजीद तंग। कराची के इलाके क्लिप्टन में 46 अरब जायदादों के लिए 48 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल गए। मारूफ सियासी शख्सियात के फ्रंट मैनों ने जायदादें खरीदी, JIT ने सुराग लगा लिया। चीफ जस्टिस ने क्वेटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह करते हुए कहा कि इमारतें नहीं, वहां के रहने वाली शख्सियात पहचान होते हैं। इंसाफ किसी भी माशरे के लिए इंतहाई जरूरी है, इसी की बुनियाद पर मुआशरा तश्कील पाता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार क्वेटा रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात पर समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज होगा। इमरान खान ने इजलास के लिए सारा दिन वक्फ कर दिया और कारकर्दगी बताने के लिए 10-10 मिनट दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म बुज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वज़ारतों के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शामिल होंगे। प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बाद नैब टीम अपोजिशन लीडर को आज लाहौर से इस्लामाबाद ले जाएगी। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में रहायश गाह को सब जेल करार दे दिया गया। पाकिस्तान और चीन के माबेन आज अहम मुजाकरात वजारत खारजा में होंगे। चीनी नैब वजीर खारजा वक्त के हमराह शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वक्त की क्यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ करेंगी। चीनी वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात करेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। मदीना एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद बिन फैसल ने इस्तकबाल किया। मुल्क में अबरे आलूद बरस पड़ा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी वक्फे वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी बारिश। मुल्तान, पाकपतन और मानसेरा समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश। मलका कोहसार, स्वात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश के बाइस फिसलन और हादसा। भक्कर में कोटला जाम के करीब ट्रक और रिक्शा में तसादुम, 3 अफराद जख्मी। नाड़ी के किनारे बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर सिब्बी प्यास से बेहाल। शहर में पीने के पानी का मसला कई सालों से हल ना हो सका। इंसान और जानवर आज भी एक ही नाले से पानी पीने पर मजबूर। वाटर सप्लाई की पाइपलाइन और सीवरेज की लाइन आपस में मिल गई। इंतजामिया की खामोशी के बाइस रिहायशी मौजी बीमारियों का शिकार होने लगे। मकीनों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम से नोटिस की अपील। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV99 न्यूज़।